वेलकम बैक टू माय चैनल रियल मॉम एंड आई एम डॉक्टर नंदिनी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो बच्चों के मिल्क टूथ होते हैं वो पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्यों सेव करने चाहिए, उनको बचाना क्यों चाहिए, उनके लिए उनका ध्यान रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और सेकेंड आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के रूटीन में क्या चेंज कर सकते हो सो दैट उनके मिल्क टूथ जो हैं वो हेल्दी रहें, सो दैट जो परमानेंट हैं वो भी हेल्दी ही आए। ओके, सो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटिस्ट, सो आई थॉट कि हो सकता है मेरी कुछ टिप्स आपको बहुत हेल्प करें, क्योंकि जैसे अभी हमारी जो डेंटल प्रैक्टिस है उसमें अभी कोविड से पहले ही मेरे पास रिसेंटली 5-6 बच्चे आए जो अंडर 5 थे और जिनके दांतों में बहुत कैविटीज़ थी। मतलब एक बच्चा 4 साल का था और उसके दांत, जितने भी मिल्क टूथ जिसे हम बोलते हैं या दूध के दांत या डेसिडियस टीथ, तो उसके 5-6 दांतों में पूरा डिकेड थे। पेरेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया ना बच्चे को लेकर आए कि दूध का दांत है, कोई बात नहीं, निकलेगा तो पक्का तो अभी आना है। तो वही चीज़ पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। टिप्स से पहले ना ये जानना ज़रूरी है कि उसको क्यों बचाना है। मुझे लगता है ज़्यादातर पेरेंट्स में ना ये मिथ होता है जब वो हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम बच्चों को दर्द हो रहा है, क्वेश्चन उनका ये होता है कि अच्छा ये मिल्क टूथ है या पक्का दांत आ गया। अगर हम उन्हें बोलते हैं मिल्क टूथ है और ये बच सकता है, आप इसको बचा लीजिए, तो वो बोलते हैं मिल्क टूथ ही दवा या तो ऐसे ही रहने दो या इसको निकाल दो, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा कम होते हैं किसी चीज़ को सेव करने से। तो पहले तो मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मिल्क टूथ को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी दांत ने 8 साल पे शेड होना है और बच्चे को उस दांत में 4 साल पे ही कीड़ा लग गया तो आप उस दांत को निकाल दो। तो वही मैं आपको एक शॉर्ट में उसको समराइज करके समझाती हूँ। जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं ना, वो शेडिंग जो होती है उनकी, वो 6 साल से शुरू होती है। जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके दूध के दांत गिरने शुरू होते हैं। ये जो हमारी एक नॉर्मल जो इरप्शन और शेडिंग का जो टेबल है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। नॉर्मली जिन बच्चों की एटियोलॉजी बिल्कुल ठीक चल रही है, उनके दांत 6 साल पे शेड होना शुरू होते हैं, वो भी आगे के दांत। बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं ना, उसमें उनके 20 टीथ का सेट होता है पूरा, 10 नीचे होते हैं 10 ऊपर होते हैं। तो जो बच्चों की मिल्क टूथ की जो दाढ़ होती है, जिसे हम मोलर्स बोलते हैं, जो मेन खाने में काम आते हैं बच्चों की, वो 2 इधर होती हैं, 2 इधर, 2 ऊपर 2 नीचे, जिससे बच्चा मेन खाना खाता है। ये हम सबको पता होगा कि हम लोग खाना अपने पीछे के दांतों से खाते हैं, राइट। तो बच्चों के जो मिल्क के जो मोलर्स होते हैं वो बच्चों के शेड होते हैं 10 साल के बाद, ठीक है। वो 10 साल के बाद शेड होते हैं। अब आप मेरे साथ, सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, आप 4 साल के बच्चे को लाए जिसको उन मिल्क के मोलर्स में कैविटीज़ हैं, राइट। आपने उनको बोला कि मैम इसको मत आप सेव करो, इसको निकाल दो, क्योंकि जो परमानेंट है वो तो अभी आना है ना। तो अब आप इसको एक कैलकुलेट करिए, मैंने कि जो बच्चा मेरे पास 4 साल का आ रहा है उसके जो दूध के जो मोलर्स हैं, जिससे उसने अभी 10 साल तक खाना खाना है, क्योंकि वो 10 साल पे गिरेंगे तब पक्के आएंगे, और जो हमारे परमानेंट मोलर्स हैं वो भी हमारे 10 साल के बाद आएंगे, अभी कुछ नहीं आना, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि 4 साल से लेकर 10 साल तक अगर आपने उस बच्चे के वो दांत एक्सट्रैक्ट करा दिए, मिल्क मोलर्स एक्सट्रैक्ट करा दिए, परमानेंट मोलर्स 10-11 ईयर्स बाद आएंगे, सिर्फ हमारा परमानेंट फर्स्ट मोलर जो होता है वो 6 से 7 साल में आ जाता है। परमानेंट फर्स्ट मोलर, प्री मोल, दूध के मोलर्स के बाद एक दांत आता है 6 से 7 साल में, वो दांत हमारा सबसे जल्दी आता है, उसके बाद सारे दांत हमारे 7-8 साल के बाद आते हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि तब तक बच्चा 4 साल से लेकर 10 साल तक उसके पास कोई पीछे का टूथ नहीं है खाना खाने के लिए, अगर है भी तो एक परमानेंट मोलर है बस, एक जो इरप्ट हो जाए, और बहुत केसेस में उसमें भी कैविटी लग जाती है बच्चों के परमानेंट दांत में। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि इसलिए दांतों को बचाना ज़रूरी है। तो अगर बच्चे के ओरल कैविटी में प्रॉपर टीथिंग नहीं होगी, प्रॉपर दांत नहीं होंगे, तो तब तक वो बच्चा क्या कैसे खाना खाएगा। अगर आगे के दांत उसके निकल गए, 4 साल का बच्चा है, उसके आगे के दांतों में कीड़ा लगा, हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, फ्रूट्स जो बच्चे आगे से बाइट करके खाते हैं वो नहीं खा सकते हैं, उनके जो गम्स हैं उनमें कोई एक्सरसाइज नहीं होती, हेल्दी नहीं होते उनके गम्स, कीड़ा लग जाएगा, दर्द होगा, तो बच्चों को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो खाना प्रॉपर्ली नहीं खा पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले टिप्स तो बहुत कम हैं, उससे पहले ये सोचना है कि हमें इन दांतों को सेव रखना है।
परमानेंट और मिल्क टूथ इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं या मिल्क टूथ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं? अगर जो बचपन में रूट है वो स्ट्रांग होगी तो परमानेंट टूथ अपने आप अच्छे आएंगे। एक और पॉइंट होता है कि अगर आपके मिल्क टूथ को बचाना इसलिए भी ज़रूरी होता है, मान लीजिए अगर आपका मिल्क टूथ जहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल जो मिल्क का मोलर होता है, मान लीजिए वो 4 साल पे बच्चे का कीड़ा लगा, हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, बट उसकी जगह जो पक्का दांत है वो 11 साल पे आना है, राइट? तो उतने टाइम उस 6-7 साल में वो स्पेस खाली रहेगा, है ना? तो उस स्पेस जब वो खाली रहेगा तो जो परमानेंट टूथ है, ज़रूरी नहीं है उसकी डायरेक्शन ठीक हो। ये जो आजकल बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उसका रीज़न ये भी होता है कि कोई दांत पहले आ गया कोई बाद में आ रहा है, तो ये के दांत टाइम पे गिरेंगे तो उस हिसाब से परमानेंट निकलेगा, ठीक है? अगर आप कोई स्पेस, एक स्पेस खाली है, इधर का दांत आ गया, इधर का दांत 6 साल से ये स्पेस खाली पड़ा है, तो ये जो टूथ आ चुका है ये ऐसे हो जाएगा, फिर जब इसको आना होगा तो उसको स्पेस नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ क्राउडिंग। सो इसलिए ये मैंने आपको पहले कुछ चीज़ें जो मेन समझाने की है वो समझाई हैं कि पहले तो आप ये सोच लो कि हमें मिल्क टूथ का पूरा ध्यान रखना है जैसे हम परमानेंट का रखते हैं। अब हम आते हैं टिप्स पे। पहली चीज़ है कि आप बच्चे को दोनों टाइम ब्रश कराइए। सोने से पहले बच्चे को ब्रश कराना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, अगर बच्चा छोटा है, टीथ नहीं आए, अभी गम्स हैं, लाइक 1 साल 1.5 साल जैसे, उस टाइम हम क्या करें? बच्चे जब दूध पीते हैं, फीड ले रहे हैं, तो उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, बहुत सॉफ्ट सा, उसको हल्का गीला करिए और बच्चे के गम्स में आप फेर दो सारे में, ताकि बच्चे को जो नर्सिंग बॉटल कैरीज होती हैं जो बचपन में हो जाती हैं वो भी ना हो। उसके बाद थर्ड थिंग, मेक श्योर कि बच्चे जब 2.5-3 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो कभी भी स्वीट माउथ में ना सोए। स्वीट माउथ मतलब दूध पीकर या कुछ मीठा खा के, चॉकलेट खा के, कैंडीज खा के वो सोए ना। सोने से पहले जो उनका लास्ट है कि अब सोएंगे बस, उसके बाद कुछ नहीं पानी के अलावा, तो आप उनको ब्रश कराकर ही सुलाइए। जब बच्चे के दांत आ जाते हैं उसको ब्रशिंग हैबिट डालिए और मेक श्योर कि वो मीठा खाकर बच्चा ना सोए। उसके बाद आप बच्चे को रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए लेके जा सकते हैं। अगर बच्चे घर पे टीथ नहीं दिखाते हैं ठीक से, तो जब बच्चे के दांत मोस्टली आ जाते हैं तो 3-3.5 साल के बच्चे को या उससे पहले आप हर 6 महीने पे एक डेंटल चेकअप के लिए, विजिट के लिए ले जाओ कि बच्चे के दांतों की ग्रोथ कैसी है, शेडिंग। कुछ डॉक्टर चेक कर लेते हैं कि डेसिडुअस दांत सारे आ गए हैं या नहीं आए हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद बोलो कि बच्चे को आप चॉकलेट, कैंडी, मीठा सब बंद कर दो, बच्चे के दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी भी घर में छोटा बच्चा है, ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। तो आप ये कर सकते हो, बच्चे को पहले तो अर्ली मॉर्निंग कैंडीज़ या मीठी चीज़ें मत दो, मतलब उठते ही उनको कुछ भी पैकेट वाला नहीं देना है, उठते ही उनको कैंडीज़ की हैबिट नहीं डालनी है। आप उनको कैंडीज़ दे सकते हो जैसे लंच के बाद, या कभी आपने एक आधी दे दी, क्योंकि सुबह की जो क्रेविंग होती है ना वो हमारी आदत बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह चाय पीते हैं तो दैट इज़ अ हैबिट, सो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद फिफ्थ थिंग, आप बच्चे को फाइब्रस फूड दे सकते हो। फाइब्रस फूड मतलब कि जो घर का खाना होता है, जब हम घर का खाना खाते हैं तो हमारे जो टीथ होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली क्लीनिंग हो जाती है, कैविटीज़ नहीं होती हैं। जब हम घर का फाइब्रस फूड खाते हैं या हम क्यूकम्बर खाते हैं या सैलड्स खाते हैं, तो उससे जो हमारे टीथ हैं उनमें ऑटोमेटिकली क्लीनिंग होती रहती है, वॉशिंग होती रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है कि बच्चों को कैविटीज़ ना हो। बच्चे जब सारा पैकेट फूड खाते हैं या आप कह सकते हो जंक फूड्स खाते हैं, तो वो सब दांतों पे स्टिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, मैगी, ये सब दांतों पे स्टिक हो जाते हैं, इनको वॉश आउट होने में बहुत देर लगती है। बट जो हमारा घर का होम कुक्ड फूड होता है, लाइक रोटी, दाल, राइस, क्यूकम्बर्स, जो सैलड्स होती हैं हमारी, या जो फ्रूट्स होते हैं, दे आर फुल ऑफ फाइबर्स, तो जब हम वो खाते हैं तो हमारे दांतों में ऑटोमेटिकली जैसे हम पानी पीते हैं सब वॉश आउट हो जाता है, कुछ भी दांतों पे स्टिक नहीं होता है। जहाँ कुछ स्टिक होगा, शुगरी चीज़ें स्टिक होती हैं, इसीलिए वो कैविटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमने अभी पीछे हम चॉकलेट और कैंडीज़ की बात कर रहे थे, सिबल है तो यू नो इन 2-3 days 1 time यू कैन गिव देम। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल देम कि कुछ भी नहीं लेना है, बिकॉज बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, कैंडीज़ वगैरह वो सब खाते हैं। सो यू कैन मेक अ स्केड्यूल के ओके आपको 3-4 days में आप ये ले सकते हो, या फ्रूटी पी सकते हो, या एप्पी पी सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि डेली। सो अगर बच्चा कुछ मीठा खाता है, कुछ भी लेता है, आप उसको ब्रश ज़रूर कराइए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन मेक श्योर कि बच्चा करे ताकि उसके दांत हेल्दी रहें। और प्लीज़ अपने दिमाग से ये मिथ आज ही निकाल दीजिए कि दूध के दांत छोड़ दो, पक्के तो आने ही हैं, ऐसा नहीं है। अगर दूध के दांत टाइम पे शेड होंगे तो परमानेंट दांतों में कम चांसेस होते हैं क्राउडिंग्स के, कि क्राउडिंग काफ़ी कम आती है।
तो बच्चों को आप ये सारी हैबिट्स डाल सकते हो, उनको घर का होम कुक्ड फूड खिलाइए। सिर्फ चॉकलेट कैंडीज रीज़न नहीं होती हैं कैविटीज़ की, जो जंक फूड्स होते हैं जो स्टिक हो जाते हैं दांतों पे, वो भी बहुत बड़ा रीज़न होते हैं। और जब भी आपको लगे बच्चे का दांत, जैसे आप घर में भी चेक कर सकते हो, आई एम अ डेंटिस्ट बट स्टिल एज अ मदर ऑल्सो, रैंडमली आप बच्चे को बोल सकते हो कि मुंह खोल के दिखा दो, आपको बहुत क्लियर दिखता है राइट कि कोई ब्लैक, कुछ भी ब्लैक स्पॉट है, तो आप इमिजिएटली डॉक्टर को एक बार चेक करा दो कि कोई कैविटी तो नहीं है। थोड़ी बहुत होगी तो डॉक्टर तभी उसको हटा के फिलिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि कुछ मदर्स मेरे को ये बोलती हैं, जैसे बच्चे को लेकर आते हैं कि ये खुद ब्रश करता है, हमें नहीं कराने देता, तो इसलिए बच्चे ब्रशिंग नहीं कर पाते। उसकी टेक्निक ये है, आप बच्चे को ब्रश करने दो, उससे बोलो अच्छा आप करो अपने आप। जब वो गिव अप हो जाए उसका, जब उसको एक होता है ना शौक हो जाए कि हाँ मैंने अब कर लिया, तो आप एक बार ही ब्रश मारोगे, बच्चे के लिए वही काफ़ी होता है। आपको ब्रश को कोई ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है, एक बार बच्चे की ओरल कैविटी गम्स क्लीन हो जाएंगे तो दैट इज़ इनफ फॉर देम। सो यही कुछ टिप्स थी जो आप फॉलो कर सकते हो। कि और कोई क्वेरी है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो, आई श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक शेयर एंड इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं जो छोटे बच्चों की वजह से बहुत खुद भी परेशान हो जाते हैं और बच्चों को भी बहुत पेन होता है जब वो आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, बिकॉज इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना दर्द होता है, बिकॉज वो डरते इतना है मशीन से डेंटल की। सो इसलिए बेटर है क्यों ना हम उनका पहले ही घर पर ध्यान रखें कि उनको इतनी प्रॉब्लम ही ना हो, राइट। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।